नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर, ग्यारसपुर में बीआरसी की मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक लीना संजय जैन ने शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायिका ने कहा, शिक्षा रथ विकासखंड के हर घर तक प्रचार प्रसार करते हुए डिजिटल शिक्षा की अलख जगाएगा। उस रथ के साथ शिक्षक भी मौजूद रहेंगे, जो अभिभावकों को बताएंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर मोबाइल के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 12 तक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी, विविध भारती, रेडियो स्थानीय केबल पर कस्बा, गांव, नगरों में प्रसारण किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी घर पर रहकर मोबाइल पर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं शिक्षा जगत के लिए, मतलब कोरोना को लेकर हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई। इसको लेकर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों को घर से ही पढ़ाई करवाएं, और इसके लिए जो क्योंकि बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल पढ़ाई कैसे करना है मोबाइल के थ्रू, तो उसको समझाने के लिए इस रथ को शुरू। तो बच्चों को कैसे इसमें पढ़ाई की जाएगी, क्या माध्यम है, बच्चों का कैसे शिक्षा पहुँचे? उसमें बच्चों को बाकायदा क्लासेस अटेंड करवाई जाएंगी, 10-10 या 20-20 लोगों को जोड़ के, और उसमें शिक्षक एक टीचर दी जाएगी, घर पे दी जाएगी, किस प्रकार? घर पर शिक्षा विभाग का टीचर घर पर पहुँचेगा क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं, मोबाइल के थ्रू पढ़ाएंगे। बच्चों के लिए बताया तो जाएगा कि ये रथ के माध्यम से उनको यही सब समझाया जाएगा और किस तरीके से पढ़ना है ये बताया। कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जान पाते कि ई मोबाइल क्या है, इंटरनेट क्या है। आज का समय इंटरनेट का समय हो चुका है, कहीं ना कहीं हमारा भारत आगे बढ़ता जा रहा है, विकासशील देशों में शामिल है, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें। रथ के माध्यम से शासन द्वारा प्रचार किया जाएगा, टीचर कोई भी जाकर उपलब्ध नहीं होगा वहाँ पे कि उसको, मतलब स्कूल में 10 बच्चों को 20 बच्चों को उसको क्लास लगा के साथ टीचर्स जा रहे हैं, रथ के साथ टीचर्स जाएंगे। कितने कितने टीचरों की ड्यूटी रहेगी, समझाएंगे कितने कितने टीचरों की ड्यूटी रहेगी? दो दो जन शिक्षक और दो दो टीचर रथ के साथ हैं, और हर साला में टीचर मिल रहे हैं। यहाँ पर जो अपने समिति सभापति उन्होंने शिकायत की, तो सोचे तो क्या कारण रहा है? नहीं, क्या है कि हमेशा बैठक गलती होती है, तो हमारे जो विकास पर शिक्षा अधिकारी उनके घर में आने से वो बाहर थे, क्योंकि वैसे हमेशा हर कार्यक्रम की सूचना दी जाती है। कल अचानक विधायक महोदय का कार्यक्रम हो गया, ऐसी स्थिति में फोन लगाया था, उनको फोन लग नहीं पाया, सूचना बराबर दी और हमेशा देते हैं जी। वो हमारे सर्वमान्य नेता है, जनपद के उपाध्यक्ष है, ना देने वाली कोई बात है, हमेशा सूचना दी जाती है और हमेशा सूचना भविष्य में भी दी जाएगी, ऐसा नहीं है, और वो उपस्थित हुए, उनका आभार है। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा, तहसील ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.